मॉर्निंग, यहाँ पे बैठी हूँ और सामने ना आम रखे हैं बोल में और उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। बाय द वे कल हमने बड़ा ही अच्छा आम रस पिया। कुछ आम थे जो पक गए थे, दो आम थे, तो उसका जो आम रस बनाना बहुत अच्छा बना। तो लंच में अंगद के लिए स्टर फ्राई वेजीज, रोटी एंड आम रस, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मीठा मीठा ठंडा बहुत अच्छा लगा। ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं पर ये सारे भी ना पक गए हैं। एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है इस वाले आम में कि दिखता ये ग्रीन है पर अंदर से पका हुआ होता है, तो कलर पे नहीं जाने का, दबा के देखने का। और हल्के तो ऐसे हो गए हैं कि ऊपर पर ना ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं, तो अगर अब नहीं खाए जाए तो खराब भी हो जाएंगे। पता नहीं आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पर वहां पे मैं फैन चला के रखती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हवा आ सके। और इससे क्या होता है कि किचन में खड़े रहने का मन करता है, अगर वो वाला फैन भी बंद कर दिया जाए ना तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि किचन का फैन तो आप तभी चालू करोगे ना जब कटिंग चॉपिंग ऐसा कुछ काम कर रहे हो, खाना पकाते वक्त तो कर नहीं सकते। याद है मैंने आपसे शेयर किया था कि हर महीने अंगद मुझे एक गिफ्ट देने वाला है और ये आइडिया मैंने उसको दिया था कि ऐसा करो अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है गिफ्ट लेना, तो एक अजीब सी खुशी हो जाती है। जैसे कि आज थोड़ा सा ऐसा लो फील कर रही थी, यू नो ऐसा मौसम भी रहता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो मैं तो सोच रही थी क्या करूं, एक काम करती हूं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज लगाती हूं और बैठ के देखने लगती हूं। फिर तभी बेल बजा और ये गिफ्ट आया मेरे पास और मैं एकदम खुश खुश हो गई। तो ये फायदा होता है गिफ्ट देने का कि आप उसको जिसको देते हो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो मैंने अंगद को बोला क्या करूं, तुम्हारे साथ खोलूं या अभी इसको ओपन कर लूं, तो उसकी तो इतनी सारी मीटिंग है ना कि वो फ्री नहीं होने वाला, तो उसने कहा खोल लो। तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ खोलती हूँ। और ये आया है, ब्रांड है मॉडर्न क्वेस्ट करके, पूरा लगा हुआ है टैग, तो मुझे वो दिख रहा है ऊपर ऊपर ही। तो इस बार कुछ कपड़े नहीं है, वो तो दिख रहा है बॉक्स से ही, वरना पिछली बार अंगद ने कपड़े दिए थे, मैंने आपको दिखाए थे। उससे एक बार दिया था पैम्परिंग के लिए, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था फेब में, और मार्च में वो था, और ये हो गया अप्रैल का गिफ्ट। हाँ तो चलिए खुल गया है। क्या है ये? अच्छा बहुत ही छोटा सा डब्बा सा लग रहा है कुछ, तो मैं समझ गई क्या है। वैसे उसने मुझे काम की चीज दी है, अभी सही बात है ना, उसको मुझे अगर 8 बार गिफ्ट करना है कोई चीज तो कुछ तो सोच सोच के बेचारा कुछ देगा, काम की चीज दिया है उसने। क्या है ना, आप भी देखोगे तो बोलोगे अच्छा ये गिफ्ट है, पर एक्चुअली उसको पता है कि मुझे इस चीज की जरूरत थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो चलिए उसने अच्छा सोच के दिया। फिर कपड़े वगैरह तो देखिए मैं वैसे भी लेती ही रह रही हूँ। ये है गिफ्ट, क्या है ये बताए, ये बटर रखने के लिए है। एक्चुअली ना मैं बटर अब बाहर रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती, पहले फ्रिज में रखती थी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे ना बटर रखने के लिए कुछ चाहिए, और मैंने होम सेंटर में भी देखा था पर वहां बहुत महंगे, 1000-1200 के, मिलते इतना महंगा कौन लेगा। तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है एक्चुअली, तो देखा जाए तो ये बहुत काम की चीज है और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। वाह, तो चलिए इस मंथ में अंगद ने कुछ घर के लिए सामान दिया। देखिए कुछ अच्छा, डिशवॉशर प्रूफ भी, कुछ भी चलता है पता है। गिफ्ट का मतलब यही नहीं है कि कुछ आप ऐसा कुछ दो, कुछ भी आपको इतना खुशी होगा कि सामने वाले ने याद रखा पहले तो कि आपकी रिक्वायरमेंट है और फिर आपके लिए ढूंढा। तो ये है मेरा इस मंथ का गिफ्ट। अंगद मुझे बोल भी रहा था अभी, ज्यादा एक्साइटेड मत रहना, उतना कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ऐसा तो क्या है, मैं तो हर चीज में खुश रहती हूँ। अभी तक ना मैं इस वाले में रख रही थी तो ये बेकार का ऑक्यूपाई हो गया था, वरना ये बहुत काम की चीज है। तो अब एक छोटा सा अलग सा आ गया है। आज लंच में बनवाऊंगी भिंडी दाल रोटी राइस वो सब, क्योंकि आमरस पे अच्छा लगता है अंगद को। और ये देख रही हूँ मैं कितने मोटे मोटे बड़े बड़े भिंडी आ गए आज, देखिए इसमें बीज भी है। मुझे ना एकदम छोटे वाले अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे क्या सबको ही लगते होंगे, पर क्या करें अब जो आया है इसी से बनवा लेना है। कितना है ये क्वांटिटी, बाबा रे ये इतना ज्यादा नहीं हो जाए, नहीं चलिए ये तो गल जाएगा। वैसे कुक बहुत अच्छा बनाती है ये मूंग दाल, और अंगद को इतना पसंद आता है कि देखिए अंगद ने दो दो पैकेट मंगवा दिया है, मतलब वो चाहता है कि सिर्फ रोज यही दाल बने और कोई दाल बने ही ना। आज मुझे करना है शैम्पू, तो उसके लिए मैं पहले ही ऑयलिंग करके रख लेती हूँ, और जब तक कुक आएगी तब तक मैं ये ऑयल लगा के रखूंगी। मतलब एक घंटा तो उसको लग ही जाएगा ना खाना बनाने में, तब तक एक घंटा तक ये लगा रहेगा, फिर हेयर वॉश कर लूंगी। वैसे गर्मी में अभी आप तेल भी एक घंटा से ज्यादा लगा के नहीं रख सकते, वरना ना वो अजीब सा इरिटेशन होने लग जाता है। अच्छा मुझे
क्वेश्चन आया था कि जब मैं पहनती हूँ इस टाइप के ड्रेसेस तो इसमें मैं कौन सा ब्रा यूज करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे कौन सा बेस्ट लगता है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो एक तो ऐसे वाले ब्रा आते हैं जो स्ट्रैपलेस ब्रा आते हैं, तो आपका यहाँ पे स्ट्रैप जो है आप लगा भी सकते हो, यहाँ से स्ट्रैप को खोल भी सकते हो, तो ये है। पर मुझे ये उतना कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन का शेप जो है कई बार बहुत अजीब सा हो जाता है, मतलब वो ठीक से रहता नहीं है सेट, तो ये वाला मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। पर आप चाहो तो ऐसा वाला यूज कर सकते हो, या तो फिर आप ना इसमें ऐसे वाले ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप लगा सकते हो, या तो ऐसे वाले खरीद लो ब्रा जिसमें कि ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है, और अगर इनकेस नहीं भी है ना तो अलग से देखिए ऐसे स्ट्रैप मिल जाता है, मैंने ये वाला अमेजोन से मंगाया था, सेट ऑफ टू में आता है। तो फिर आप क्या करो, कोई भी ब्रा का स्ट्रैप को चेंज करके ऐसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप आप खुद से बना लो, तो ये भी चल जाता है। पर मुझे ना ये स्ट्रैप भी दिखे वो भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब ठीक है कभी कभी पहन सकते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं ये भी ना दिखे तो सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है दिखने में, तो मैं ये भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं जो यूज कर रही हूँ अभी, मेरे पास ऐसे दो तीन अलग अलग कलर में मैंने ले रखे हैं, वो है ये। तो आप जो देखते हो मोस्टली सारे कपड़ों में मेरे पास ऐसे वाले, मैंने इस कलर में, बेज कलर में, ब्लू कलर में अलग अलग ले लिया है। इसके ना यहाँ पे एक आप देखो तो कट रहता है, कट के अंदर में ऐसा रहता है, तो इसको आपको इसमें फिट कर देना है, फिर ये स्ट्रैप की तरह ही है, उसको आपको बस पहन लेना है। ये बहुत कंफर्टेबल रहता है और शेप्स जो है आपके हर कपड़े में बहुत सा शेप आएगा, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं कि बल जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, सीमलेस लुक आता है। आप देखते ही हो मैं जितने भी ये सब कपड़े सब मैं ऐसे वाले पहनती हूँ, तो ये वाला मैंने मिंत्रा से लिया है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, शायद मिंत्रा पे मिल जाएगा, तो ये वाले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको अच्छा लगता है लीजिए। इसमें ना ये काफी ज्यादा इस तरह से देखो आप तो स्ट्रेचेबल भी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने आपको दिखाया था कुछ ब्लॉग पहले कि अगर आपको बढ़ाना हो अपने, मतलब नया ब्रा नहीं खरीदना हो पर आपको टाइट हो रहा हो, तो आप चाहो तो उसमें एक्सटेंडर लगा सकते हो, वो एक्सटेंडर बहुत काम में आ रहा है। जो एक्सटेंडर है ना ये ऐसे आते हैं, सेट ऑफ थ्री में मैंने लिया था, तो बस आपको किसी भी ब्रा के यहाँ पे हुक कर देना है, तो आपका जो ये लेंथ है वो बढ़ जाता है। तो अभी मैं नए ब्रा नहीं ले रही हूँ, जो मेरा साइज था वही साइज मैं यूज कर रही हूँ, बस मैंने ये एक्सटेंडर्स लगा दिए, वरना पीछे के साइड में बहुत टाइट हो रहा था तो वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। कप साइज वगैरह अभी ठीक है, बट बस पीछे के साइड में मैंने एक्सटेंडर लगा दिए, तो क्या है अभी तुरंत इन्वेस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है। पूछ रहा है बेचारा कैसा लगा गिफ्ट, तब से मीटिंग में था, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि अंगद को पता है कब से मैं ये बोल रही थी मुझे एक लेना है, जब दुकान जाती थी होम सेंटर वगैरह ढूंढती थी कहाँ है बटर वाला। अरे अभी मैं वहाँ गई थी ना, ये परफेक्ट साइज लगा, बाकी सब बहुत ओवर साइज, हाफ के जी वाला, हाँ नहीं इतना नहीं खाते तो हमारे लिए परफेक्ट। अभी मैं वेस्ट साइड गई थी तो मैं देख रही थी, वहाँ भी मुझे नहीं मिल रहा था, और ये वाला परफेक्ट लगा मुझे, थैंक यू, बहुत थॉटफुल गिफ्ट था। तो तुम ये कितने दिन पहले सोचना स्टार्ट करते हो गिफ्ट देने से? ये मेरा एकदम इंस्टेंटेनियस, मैं हर चीज एकदम ऑन द स्पॉट सोच, मतलब कोई थॉट ही नहीं देते होंगे तुम, पर अच्छा है ना। अच्छा तो बहुत है, वो तुमने चाहिए था। ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है, कुछ हिंट दोगे? उसके लिए आपको एक महीना वेट करना, क्योंकि अंगद को खुद नहीं पता है। चलो चलो रहवा देने, चलिए अभी बनेगा आम रस, और आम रस बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा गैजेट है, ये जो डेरी मिल्क आप देख रहे हैं, मीठा मीठा डेरी मिल्क, ये मुझे कभी कभी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना सिर्फ डेरी मिल्क में ये वाला ही प्रेफर कर रही हूँ, एकदम प्लेन वाला। एक आम का क्या हाल हुआ है देखो अंगद, ये तो सड़ चुका है। ओके, वो आधा कट जाएगा। ठीक है देखते हैं। तो इसमें हम लोग बनाते हैं एकदम जूस शॉप की तरह, हमारे पास में एक है ये बड़ा वाला, इसमें इतना अच्छा बनता है जूस वगैरह, तो तब तक अंगद कटिंग चॉपिंग करेगा, मैं तब तक खाना वाना गर्म कर लेती हूँ। ये मिल्क मंगवाया है मैंने एक्स्ट्रा दो पैकेट आज, क्योंकि मुझे खीर बनानी है, बहुत मन कर रहा था बहुत दिनों से कि खीर खाऊं ठंडा ठंडा एकदम, तो सोचा वीकेंड से पहले बना लिया जाए, पर अभी तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। इस नंबर पे कौन फोन कर रहा है बताइए तो? ये नंबर भी फैल गया एकदम, ये नंबर जो है लैंडलाइन का हमने किसी को भी नहीं दिया है, ये हमने इंटरनेट लिया था उस टाइम पे ये वाला हमको मिला था,
और ये नंबर पे फोन आते हैं मार्केटिंग सेल्स वालों के, विला ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, तो मतलब ये नंबर तो लिटरली हमने किसी को दिया नहीं है, तो मतलब ये फैलाया गया। तो किस तरीके से देखिए डेटाबेस सेल किया जाता है, उसके बाद डिस्टर्बेंस होती है। और जब भी फोन आता है प्लॉट लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, मतलब मोबाइल पे तो आता था, अब लैंडलाइन को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दोपहर में हम दोनों का अड्डा यही रूम रहता है बिकॉज ऑफ एसी। ये रूम का टेम्परेचर बाकी पूरे घर का टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। तो अंगद भी यहाँ बैठा रहेगा और मैं यहाँ बैठ करके टीवी देखती रहूंगी, उसका मीटिंग होगा तो ही बेचारा भागेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 घंटे का अड्डा है ये। आधे घंटे तो टीवी देखूंगी, फिर कब मुझे मन करेगा सो जाऊं ना, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि टेम्परेचर अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं लग रही, तो आपको लगता है सो जाऊं, लेकिन सोने का ट्राई करूंगी, अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता है सोने के बाद। अगर आप उठते हो ना तो मुझे बहुत वीकनेस लगता है, पर फिर भी देखते हैं। अभी जो किचन में लाइट आ रही है ना, वो मेनली नीचे यहाँ से आ रही है, और एक लाइट मैंने ऑन रखी है जो इधर से आपको दिख रही होगी, जिसकी वजह से इस फैन का आ रहा है ना। अभी जब मैं ऑन करूंगी ऊपर वाले वाईफाई लाइट्स, तो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा देखिए। ये एक ऑन किया, ये दूसरा ऑन किया, अब कितनी अच्छी लाइट आ रही है। पंखे का देखोगे आप तो यहाँ पे अब शैडो भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और इवनली लाइट पूरी जगह पे स्प्रेड हो रही है, तो शाम के बाद से ना ये बड़ा अच्छा लगता है। एक लाइट यहाँ पे मैंने रखा है जो आप इससे पहले देख रहे थे ना, इसकी वजह से फैन का जो है परछाई दिखती रहती है, तो ये एक लाइट रखा है मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा, कि अगर मुझे ये बड़ी लाइट्स नहीं ऑन करनी है या ये वाली लाइट्स नहीं ऑन करनी है तो ये वाला, और जब मैं ये बड़े वाले ऑन कर दूंगी ना तब तो पूरा किचन लगेगा शादी का घर है। वैसे हर घर में इतनी लाइट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक यूट्यूबर का घर है इसीलिए, और किचन में मैं इतना शूट करती हूँ, तो मैंने ये वाईफाई वाले लाइट्स एक्स्ट्रा लगवाए। कई बार अंगद बोलता है चलो ना ऐसा कुछ लाइट ना आप लोग डाइनिंग में भी कर लेते हैं, वहां भी कोव लाइट है, पर वहां का क्योंकि फॉल सीलिंग बहुत बड़ा रखा है ना हमने, तो कोव लाइटिंग से बहुत ही कम रोशनी आती है, मतलब बेसिकली रखा ही वैसा था मूड लाइटिंग के लिए। तब तो ऐसा सोच के नहीं किया था वीडियोज बनाएंगे, पर अब अगर कहता है कि कुछ उसमें ज्यादा कर दे क्या, पर मैं कह रही रहने देते कितना लाइट भरेंगे। एनीवेज तो मैं सो गई थी, जैसा कि मुझे पता ही था कि सो जाऊंगी, जैसे टेम्परेचर अच्छा होगा कोजी होके सो जाऊंगी। पर अभी आई हूँ, 6:15 हो रहे हैं, बनाने के लिए खीर। तो खीर के लिए मैंने क्या किया था ना, कि ऐसे मैंने भिगो दिया था, ये दोपहर को ही मैंने चावल भिगो दिए थे ताकि ये इजिली पक जाए, और मेरे पास गोविंद भोग खत्म हो गया था। गोविंद भोग होता ना तो मैं उसी से बनाती, वो ज्यादा अच्छा टेस्ट करता, उसमें स्मेल भी अच्छी आती, और छोटे दाने होते हैं ना तो अच्छा बनता है, पर वो खत्म हो गया, नॉर्मल वाला ही राइस है, तो कोई नहीं। तो ना खीर खाने का बड़ा मन हो रहा था कल, मैं अंगद को बोल रही थी कि ठंडा ठंडा खीर खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा बना लेते हैं वीकेंड में, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ, फ्रिज में ठंडी ठंडी खीर रखी रहेगी, निकालिए कटोरी में खाइए, और रात को डिनर पे मैं तो खीर रोटी खा लूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूध में बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा पहले दूध को खोला लूंगी, फिर इसमें डाल दूंगी राइस, और उसके बाद मैं अच्छे से खोलाऊंगी। मेरा मन है कि थोड़ा सा ना गाढ़ा बनाऊं, इसलिए दूध ज्यादा लिया है। ये मेरी आंखें क्या देख रही है दोस्तों, मतलब मौसम बदल गया है बैंगलोर में, ठंडी वाली हवा चल रही है, जो बारिश के बाद वाली हवा होती है ना वो वाली हवा चल रही है।
पेड़ आप देखते हो ना हमारी सोसाइटी में, ये सब हमारे आंख के आगे उगा है, क्योंकि हमने जब ये प्रॉपर्टी ली थी तो बस खड्डा खोदना स्टार्ट हुआ था जिस वीक जो फाउंडेशन के लिए जो खुदाई करते हैं ना, जिस वीक खुदाई हुई थी उसी वीक हमने ये प्रॉपर्टी बुक करी थी। तो कुछ भी नहीं था, और सिर्फ इस घर, इस प्रॉपर्टी पे नहीं, जो आसपास में जितने भी घर आप देखते हो ना, जितने भी बंगलोज हैं, अपार्टमेंट्स बने, कुछ भी नहीं था। लिटरली ये पूरा एरिया एम्प्टी था, पूरा एरिया। दो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे सिर्फ रोड में, एक हाई राइज का हो रहा था, एक लो राइज का हो रहा था, और ये वाला स्टार्ट हो रहा था, कुछ नहीं बना था। तो ये पूरा मोहल्ला, ये सब कुछ हमारी आंखों के आगे लिटरली पनप के बड़ा हुआ है। एक चीज हमें पता है, तो जब पेड़ को हम देखते तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये कब रोपा गया, वो भी दिन हमें पता है, किस दिन गार्डनर आया था, सब कुछ रोप के गया, कब कौन से बंगले बने, सब कुछ चेंजेस हमारे सामने ही हुआ है, अच्छा लगता है। आ चुके हैं हमारे हेल्पिंग हैंड, फाइनली हो गया मीटिंग खत्म। yes. फ्राइडे अब से स्टार्ट हुआ, नहीं रात को तो नहीं है, लेट नाइट एक मीटिंग शायद ले बोलो। मुझे लग ही रहा था कि कम्प्लीटली छुट्टी नहीं हो सकता है। तो अब अंगद इसको अपना थोड़ा थोड़ा कूट देंगे। ये तो एक्चुअली ना मैंने हाफ वाला ही मंगाया है, भैया ऑलरेडी टूटा हुआ आया है, पर इसको करना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे हाथ में रख के कर लोगे? हो जाएगा, गिर सकता है, शॉर्टकट हो सकता है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट देखिए मेरा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था, हाथ में कर रहा था, समझी? कर लो कर लो। कल सैटरडे कुक को और आंटी को, दोनों को ही मैंने छुट्टी दे दी है, क्योंकि हम लोग कल सुबह बाहर जा रहे हैं, तो कुक का आने का कोई टाइम है नहीं। तो कल देखते हैं, लंच होगा तो बाहर ही कर लेंगे, या तो घर आती हो तो घर पे कुछ बना लेंगे, खिचड़ी वगैरह। वैसे भी शनिवार को खिचड़ी बनाना तो बेस्ट लगता है, पर उसको छुट्टी दे दिया है मैंने। और जो आंटी है, जिनको जो झाड़ू पोछा करने आती है, उनको मैंने कहा कि आंटी कल मत आना, तो कह रही है कि मैं जल्दी सुबह आ जाती हूँ, आपको बाहर जाना है तो मैं 7 बजे आ जाऊं। मैंने कहा नहीं आंटी, छुट्टी, आराम करिए, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी हम लोग 8:30 को निकल जाएंगे, पर 7 बजे भी आने की जरूरत नहीं है, आप एकदम छुट्टी मारिए, आराम करिए। तो उनको लगता है कि अभी ये कर नहीं पाएंगे झाड़ू पोछा, तो आ जाती हूँ जल्दी। पता नहीं आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है, पर इस खीर में ना कट मैंगो पीसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आपका खीर बन जाए और आप सर्व कर रहे हो, तो एकदम मीठा वाला होना चाहिए आम पर, तो उसको छोटा छोटा काट लीजिए और उसके साथ में सर्व करिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो आप चाहे तो इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए, खीर हो सेवई हो तो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और नहीं तो आप आम रस बना के भी मिक्स कर सकते हैं, आपको मैंगो खीर हो जाएगा तो वो भी अच्छा लगता है खाने में। मतलब कुछ भी मिक्स कर लो, पर मैं एकदम सिंपल वाला खीर बना रही हूँ, जो एकदम गाढ़ा मीठा और ठंडा होना चाहिए। मुझे अभी भी सोच सोच के लग रहा है कि ठंडा ठंडा खीर जब निकलेगा फ्रिज से खाने में कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही अमेजिंग मौसम हो गया है, तो बस मेरा तो खीर रेडी हो गया, अब जा रहे नीचे वॉक करने के लिए। आ हा हा हा, मुझे ये खुशी आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, जो अच्छा लग रहा है ना मुझे मौसम देख के, मजा ही आ गया। तो बस जाएंगे नीचे, वॉक वगैरह करेंगे, और उसके बाद अंदर की फिर से मीटिंग है रात के 9 बजे की, तो तब तक रात के नीचे से ऊपर आते हैं। और उसके बाद खाना तो सिंपल सा मुझे बनाना है, आमरस है ही, खीर बनी गया, सब्जी है ही, तो बस एक रोटी बनानी है। एनिवर्सरी इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप तब अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।